एक बार तो राधा जी आई हुई थी मिलने के लिए कृष्ण से, और जब कृष्ण से मिलकर जाने लगी तो उसके पैरों पर रज लग गई, वहां की यमुना किनारे की रज राधा जी के पैरों पर। और राधा जी जब जा रही तो कृष्ण ने कहा कि राधा यमुना जी आई हुई है, चरण धो लो, रज लगी हुई। राधा जी बोली कोई बात नहीं। थोड़ी दूर चले, कन्हैया ने फिर कहा कि राधा तुम्हारे पैरों में रज लगी है, धो लो। तो राधा ने कहा कोई बात नहीं। जब मोड़ आ गया तो मोड़ पर फिर कहा कृष्ण ने कि राधा मैं बार बार कह रहा हूं चरण धो लो। तो राधा कहने लगी कन्हैया ये रज तो मेरे पैरों में लगी है, अगर कोई दूर से भी मुझे एक बार देखकर ऐसे सर झुका ले ना मेरी तरफ कर ले, अपने आप को अपना मन मेरी तरफ कर ले पागल, मैं तो उसको कभी नहीं छोड़ती, ये तो मेरे चरणों से लगी है, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूं, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं राधे तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं राधे तकदीर बदल जाए। राधा जी ऐसा पवित्र नाम है महाराज, ऐसा पवित्र जो राधा का हो गया कृष्ण उसका हो गया, जो राधा का हो गया कृष्ण उसका हो गया, और जो राधा का नहीं तो कृष्ण भी उसका नहीं। बोलो हरे कृष्णा।